बात वातावरण की करेंगे। सर्दी की जैसे आने की शुरुआत होती है ना, वैसे वैसे धान की फसल भी कटने के लिए तैयार हो जाती है। और होता क्या है, दिल्ली और NCR में प्रदूषण भी सिर उठाने लगता है। सरकार को भी इसी वक्त पॉल्यूशन कंट्रोल करने की याद आती है। इस साल भी ऐसा ही होने जा रहा है प्रदूषण नियंत्रण, क्योंकि 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लग सकती है। चाहे शोर मचाने वाला हो या फिर शांति से प्रदूषण फैलाने वाला, अब 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में कोई भी डीजल जनरेटर नहीं चलेगा। मतलब दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा और राजस्थान के 24 जिलों में अगले महीने से डीजल जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की एक दो नहीं बल्कि कई वजह हैं। गाड़ियों और जेनसेट के धुएं से 29% प्रदूषण होता है। इस 29% में 14% हिस्सा जेनसेट से धुएं का होता है। इसके अलावा कोयला जलाने से 26.1%, पराली जलाने से 19.6%, धूल मिट्टी उड़ने से 16.8%, खुले में कूड़ा जलाने से 7.5% और फैक्ट्री कारखानों से 1% वायु प्रदूषण होता है। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार डीजल जनरेटर्स पर रोक लगाने जा रही है। दिल्ली और NCR के इलाके में जो AQI खराब होने का कारण है, उसमें लगभग 3-5% का योगदान डीजल जेनसेट का होता है। तो ऑफ कोर्स इस पे फर्क पड़ेगा, मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। पहले ज्यादा प्रदूषण के बावजूद अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेलवे, मेट्रो, चिकित्सा सेवा, जीवन रक्षक सामानों की फैक्ट्री, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना, टेलीकॉम, डेटा सेवाएं और IT से जुड़ी योजनाओं को DGSET चलाने की इजाजत थी। लेकिन अब जरूरी सुविधाओं के लिए जेनसेट चलाने की विशेष सुविधा खत्म कर दी गई है। तीनों क्षेत्रों में डीजल जेनसेट का इस्तेमाल पावर बैकअप के लिए सबसे ज्यादा होता है। पहला इंडस्ट्रियल यानी कल कारखाने, दूसरा कमर्शियल यानी दफ्तर, व्यवसायिक इमारतें और शॉपिंग मॉल, और तीसरा रेजिडेंशियल यानी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और हाई राइज सोसाइटीज में। आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में, ये डीजल जेनसेट है। तकरीबन हर सोसाइटी में दिल्ली NCR में इस तरीके के आपको डीजल जेनसेट नज़र आएंगे, जो डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं। पिछले साल भी अक्टूबर में इस तरीके के ग्राफ लागू किया गया था और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया को बंद किया गया था, लेकिन इस बार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सोसाइटीज़ और हॉस्पिटल से भी डीजल जेनसेट को बंद करने के लिए, यानी कि प्रतिबंधित करने के लिए ऑर्डर दिया गया। ऐसे में केवल 2 दिन बचे हैं और ना ही सोसाइटीज़ और ना ही अस्पताल इसको लेकर तैयार है। जून महीने में QCM यानी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने 30 सितंबर तक डीजल जेनसेट को गैस जेनसेट में अपग्रेड करने का वक्त दिया था, लेकिन 90% सोसाइटी में यह काम नहीं हुआ। इसीलिए अपार्टमेंट और हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये जेनसेट बंद हो जाएंगे तो 30 सितंबर के बाद क्या होगा? प्रदूषण को कम करने के जो हमारे उपाय हैं वो सिर्फ अक्टूबर में क्यों याद आता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सोसाइटी में गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर दे कि आप CNG जनरेटर लगाएं। बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये नहीं कि अंधे आँख की तरह बंद करके कुछ भी बोल दो, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी हम बहुत परेशान है कि अगर ऐसी समस्या आ जाएगी तो क्या होगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन इसका एक बैकअप प्लान जो है अवश्य होना चाहिए। दिल्ली NCR में साल के आखिरी और शुरुआती महीनों में हवा का स्तर हर बार बेहद खराब हो जाता है। हर बार जरूरी कदम और सख्त फैसले लेने की बात होती है। हालांकि सरकार और प्रदूषण कमेटी में जुड़ी संस्थाओं की कोशिश भी जारी है,
लेकिन अब तक कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। ऑड इवन फार्मूला फेल हुआ, पटाखों पर लगाम नहीं लग पाई, खुले में कूड़ा जलना भी बंद नहीं हुआ, पराली पर प्रतिबंध का हल तो ढूंढे भी नहीं मिल रहा। अब सबकी नजरें डीजल जेनसेट पर हैं कि क्या इन पर पूरी तरह पाबंदी लागू होगी और अगर हुई तो इससे हवा पर कितना फर्क पड़ेगा। बड़ी बात क्या है? क्या दिल्ली एनसीआर इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या जेनसेट बंद हो जाएंगे? क्या प्रदूषण को रोकने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? और अगर ऐसा करना अनिवार्य है तो उसके लिए सिस्टम मजबूती से इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कुछ कर रहा है? अगर जिस तरह के हालात अभी लग रहे हैं तो लगता है कि ये फिर कहीं एक शिगुफा बनकर ना रह जाए, क्योंकि जितने अपार्टमेंट हैं या जितनी दुकानें हैं, जितने मॉल हैं, हर जगह जो जेनसेट हैं, मुझे लगता नहीं कि एक का एक दो दिन में उनको बंद कर पाना इतना आसान होगा। दूसरा, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और उनसे हमारी अपील भी है कि पराली के सीजन में उसे बिल्कुल जलाना नहीं है, धुआं ज़्यादा नहीं करना है, उसके लिए सरकार ने जो विकल्प दिए हैं उनको अमल में लाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।